गाइज, आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में तो बहुत सुना होगा, जो कि बेसिकली 18वीं शताब्दी के बाद और 19वीं शताब्दी के कुछ शुरुआती दशक तक के बीच के पीरियड को माना जाता है। बट क्या आपने सैमुअल सेल्टर के बारे में सुना है, जिसे फादर ऑफ द अमेरिकन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन माना जाता है। एक्चुअली दोस्तों, सैमुअल सेल्टर के द्वारा ही अमेरिका में फर्स्ट मॉडर्न कॉटन फैक्ट्री को 1793 में ब्लैक स्टोन नामक रिवर के तट पर एस्टेब्लिश किया गया था, जो 4.2 एकर्स में फैला हुआ था, और वह फैक्ट्री पूरी तरह से वाटर पावर टेक्नोलॉजी पर आधारित था।